नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। स्मोकिंग छोड़ना हर व्यक्ति चाहता है, इस लत से हर कोई परेशान है और ये भी जानते हैं आप कि स्मोकिंग जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कई तरह के प्रचार और प्रसार सब हो रहे हैं, इसके बावजूद हम स्मोकिंग नहीं छोड़ पा रहे हैं, इससे भी आप वाकिफ हैं। सवाल है कि हम स्मोकिंग क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि इसके आसपास छोड़ने की जितने सारे कायदे कानून हैं या आपने जितनी सारी विधियां अपनाई हैं वो लॉजिकल नहीं है, इसलिए स्मोकिंग छूट नहीं रहा है। आज हम इस लॉजिकल कंक्लूजन की बात करेंगे जिसका मन और तन और साइकोलॉजी से सीधा सीधा संबंध है, और मेरा पूर्ण विश्वास है कि अगर आप नियमित तौर पर इस विधि को अपनाएंगे तो स्मोकिंग को बाय बाय कह देंगे। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि आज पूरी दुनिया में 50 लाख से ज़्यादा लोग हर साल स्मोकिंग की वजह से या दूसरे तरह के मादक पदार्थों के सेवन से मृत्यु के को प्राप्त कर रहे हैं। हर छठा सेकेंड में एक व्यक्ति मर रहा है स्मोकिंग से, इसलिए ये बहुत बड़ा दायित्व तो है कि योग का दर्शन चिंतन किस तरह से इस अदृश्य महामारी से आपको बचाए, इसके लिए आज का वीडियो है। ध्यान से सुनिएगा, इसके पीछे का लॉजिक समझिएगा। हम स्मोकिंग करते हैं, ज्यादातर लोग देखते हैं कि जैसे जैसे उम्र के एक पड़ाव में आते हैं स्मोकिंग वो शुरू करते हैं। शुरुआत में स्मोकिंग उनके जीवन में नहीं होता है, हो सकता है पढ़ाई का प्रेशर, जैसे देखता हूँ विद्यार्थी लोग कॉलेज में स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, या कहीं जीवन संसार चलाने का प्रेशर, जॉब का प्रेशर आपको स्मोकिंग के तरफ ले जाता है। इसका मतलब सबसे पहले जो चीज़ है वो आपका तनाव, वो आपको स्मोकिंग के तरफ ले जाता है। फिर तनाव में स्मोकिंग कैसे काम करता है, तनाव से रिलीफ होने के लिए तो बहुत सारे उपाय हो सकते हैं। स्मोकिंग ही क्यों लोग पकड़ रहे हैं खासतौर पर, बीड़ी सिगरेट जो भी है, गांजा तंबाकू, आप विभिन्न तरह की स्मोकिंग के सिस्टम को इंक्लूड करके समझिए, उसके पीछे का एक लॉजिक है। जब कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा होता है तो आप देखेंगे कि बड़े इत्मीनान से एकदम से छल्ला बनाता है, फूंक रहा होता है बाहर धुआं। आप सोच सकते हैं कि आखिर बाहर धुआं फेंकने में ऐसा क्या रिलीफ मिलता है, फेंका जा रहा है धुआं बाहर और दिमाग हो रहा है रिलीफ, क्या उसका कनेक्शन है। इस कनेक्शन को पहली बार कोई वीडियो में क्लियर करने जा रहा है, और अगर आप इस कनेक्शन को समझ जाएंगे तो आप डिसकनेक्शन स्मोकिंग से जरूर हो जाएंगे। इसलिए शांति से समझदारी से इस वीडियो को सुना जाए, समझा जाए। तो जब भी हम योग दर्शन कहता है, योग का जो चिकित्सा प्रणाली है कि जब भी हम देर तक सांस को छोड़ते हैं तो हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है, और चंद्र नाड़ी जितनी एक्टिवेट होती है उतना रिलैक्स फील करते हैं। हमारा तनाव बढ़ा हुआ सूर्य नाड़ी है, और उसके उलट अगर हमें चंद्र लाना है तो हम देर तक सांस छोड़ें तो हमें रिलैक्सेशन फील होता है। इसीलिए स्मोकिंग करने वाले लच्छा बनाने के चक्कर में उनके पास एक सरल उपाय उनको दिख रहा है, या इससे बेहतर उपाय नहीं दिख रहा है जिससे हम तनाव को रिलीव कर सकें। यही वजह है कि वो स्मोकिंग के तरफ जा रहे हैं। लेकिन यही है, इसमें खुशियां हैं कम, बेशुमार हैं गम। आपको लगता है कि कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए हम तनाव से मुक्त हो गए, लेकिन इसके अलावा आपको कई सारे गम आने वाले हैं। फेफड़ा खराब हो सकता है, लंग्स का कैंसर हो सकता है, माउथ का कैंसर हो सकता है, जल्दी समय से पहले मृत्यु हो सकती है, नाना प्रकार की समस्याएं जीवन में प्रवेश कर सकती है, परिवार का आर्थिक सामाजिक स्थिति भी कर सकता है। और आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में 50 लाख संख्या एक बहुत बड़ी आबादी है जो सिर्फ स्मोकिंग के भेंट चढ़ रहा है। तो हम क्या करें, आखिर क्या होता है कि हम जब भी, इसलिए आप देखते होंगे कि हमारे यहां हिंदू धर्म में एक शंख बजाने की परिपाटी दिखाई गई। क्यों, शंख में भी आप वही करते हैं कि सांस छोड़ रहे हैं और आवाज गूंज रही है। सिगरेट में भी एक तरह से यही हो रहा है, आप सांस छोड़ रहे हैं और छल्ले उड़ा रहे हैं, लेकिन छोड़ रहे हैं सांस। फिर उसके बाद जैसे हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, क्या कर रहे हैं, सांस छूट रही है, इसीलिए भ्रामरी भी रिलीफ करता है। ओंकार हम करते हैं, ओंकार भी क्या करता है, रिलैक्स करता है। क्यों, क्योंकि उसमें भी देर तक आप सांस छोड़ रहे हैं, इसलिए ओंकार को हमने महामंत्र कहा।
कोई भी मंत्र सनातन धर्म में ऐसा तैयार नहीं हुआ जिसके आगे ओंकार नहीं लगा हो। क्या ये ऐसे ही मैकेनिकल था या इसके पीछे बहुत बड़ी साइंटिफिक संरचना थी? बिल्कुल, क्योंकि ओंकार क्षण में आपको रिलीव करता है, क्योंकि ये बहाना बनता है देर तक सांस छोड़ने का। इसलिए सांस छोड़ने के कई तरीके हैं जिससे तनाव मुक्त हो सकते हैं। आप जानते नहीं कि सिगरेट से सांस छूट रहा है, सिगरेट फूकने में आप सांस देर तक छोड़ पाते हैं, ऐसे नॉर्मल में आप 2-3 सेकंड सांस छोड़ते हैं, सिगरेट फूकने में ये सांस छोड़ने की लंबाई ज्यादा बढ़ जाती है और आप रिलैक्स का फील करते हैं। असल रिलैक्सेशन आपको सांस छोड़ने की प्रक्रिया करता है, सिगरेट नहीं। इस भ्रम को मिटाना ही सिगरेट से छूटने का एक अच्छा उपाय है। तो एक चीज आप अपना लीजिए, ओंकार अपनाइए, भ्रामरी अपनाइए। और कभी सिगरेट की तलब बहुत ज्यादा हो तो क्या करें, आप लिप्स को फोल्ड कीजिए, आप फील कीजिए जैसे आप सिगरेट ही पी रहे हैं, और लिप्स को फोल्ड करके ऐसे सांस को छोड़िए। जितने देर तक, लंबे देर तक छोड़िए, तब तक जब तक नाभि में एक खिंचाव आपका फील नहीं हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, जैसे सांस लिया, अब छोड़ने लिप्स को फोल्ड कर, मैक्सिमम टाइम मैंने छोड़ा, उससे क्या हुआ, लिप्स को फोल्ड करने से आपको मौका मिलता है कि देर तक आप सांस छोड़ सके। और मुझे विश्वास है कि धीरे धीरे जब आप इस तरह से रिलैक्सेशन को अपनाएंगे तो सिगरेट की यह आदत जाएगी। और मैंने पहला जो घटक बताया, तनाव, चिंता, भविष्य में क्या होगा, जॉब की लेकर के, भविष्य को लेकर के, ये हमको सिगरेट की तरफ ले जाता है। परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं, 2-4 दोस्त मिल जाते हैं, सिगरेट पी लो, थोड़ा मस्त हो जाओ, पढ़ने में मजा आएगा। हम समझते नहीं, पहले गुरुकुल में इसीलिए रिलैक्सेशन टेक्निक बताए जाते थे। तनाव आएगा, जीवन ऐसा है, जॉब है, पढ़ाई है, हर चीज कहीं ना कहीं प्रेशर जनरेट करेगा। तलवार आए, हमको ढाल तैयार करना है ना। तो आप योग के आसन, प्राणायाम, सवासन, कई सारे आसन है आप कीजिए, आपको तक्षण जो है तनाव से मुक्ति मिलेगी। और इस तनाव से मुक्त रहेंगे तो वाजिब तौर पे आप सिगरेट नहीं पिएंगे। आप प्राणायाम के, हमने कई सरल उपाय, 20 मिनट विद्यार्थियों के लिए 20 मिनट वाला प्राणायाम आसन का एक सीक्वेंस है, आप उसको कीजिए। हमने बताया कि 11 आसन बिजी लाइफ में, बहुत बिजी हैं, लेकिन इन 11 आसन को कीजिए। और हर दिन भर में 2-3 बार अगर मौका हो, निर्देशन में जो सवासन बताया गया, योग निद्रा टेक्निक बताई, उसको कीजिए। चाहे आप विद्यार्थी हो या कुछ हो, चाहे आप विद्यार्थी हो या कहीं भी पेशे में हो, तनाव हो, आप अगर रिलैक्स होते हैं तो धीरे 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 आपकी इन सब समस्याओं से छुटकारा हो जाएगा। इसलिए कोई बहुत सारा प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। अभी कई सारे क्विट स्मोकिंग प्रोडक्ट्स भी आए मार्केट में, लेकिन ये फौरी राहत ही देने वाले हैं। आपको एफर्मेशन भी, संकल्प भी पैदा करना है। शवासन में संकल्प की तैयारी कीजिए, और जब भी इस तरह की कुछ तलब पैदा हो, अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी पिए ठीक ढंग से, आपका सूखापना नहीं रहना चाहिए, वो फिर एक कुछ तलब पैदा करेगा, कुछ कमी बताएगा। आप बीच बीच में अजवाइन मुख में रख सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको सलाइवा क्रिएट होगा, हमेशा कुछ ना कुछ फील आएगा। अजवाइन लीजिए, सौंफ लीजिए, कुछ ऐसी अच्छी चीजें जो आपके सिस्टम को बेहतर करे, उसको चबाते रहिए। और जितना रिलैक्स होंगे, जितना डिटरमाइंड होंगे, क्योंकि आपका डिटरमिनेशन सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर एक दिन देगा और आप दूसरे दिन धाराशाही, क्योंकि आप पात्रता तैयार नहीं करते। योग पात्रता तैयार करेगा संकल्प को मजबूत करने की साधना की वजह से। तो आप इन तमाम चीजों को अपनाइए, यानी संकल्पित रहिए, योग के जरिए, ओंकार, भ्रामरी, और ये जो मैंने बताया कि पीने की इच्छा हो, लिप्स को फोल्ड करके, और सांस का छल्ला बनाइए, धुआं का छल्ला नहीं, तो ये आपको मुक्त करेगा। और जाते जाते नानक जी का, गुरु नानक देव ने जो कहा है, सांसों की माला में शुमरू में तेरा नाम, सांस को पकड़िए, सिगरेट छूट जाएगा। आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।